जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कि अप्लाई किया था SSB कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर वेटनरी की वैकेंसी के लिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी 2020 में, आप लोग की इसमें वैकेंसी आई थी 1522 वैकेंसियां आप लोग की यहां पे थी, जिसके अंतर्गत आप लोग की ट्रेड्समैन की वैकेंसी थी, कई ट्रेनों की वैकेंसी थी, ड्राइवर की वैकेंसी थी और इसके अलावा आप लोग की वेटनरी की वैकेंसी थी। जी हाँ, वेटनरी की 161 वैकेंसी थी, जिसके लिए कि आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। पहले इसमें एक्सपीरियंस और बाद में इसमें एक्सपीरियंस हटाया गया था, दोबारा से इसके ऑनलाइन अप्लाई हुए थे SSB कॉन्स्टेबल वेटनरी के लिए। आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी रिक्रूटमेंट के अलावा, ऑनलाइन अप्लाई के अलावा। इसमें आप लोगों को अभी मैंने कुछ समय पहले इसमें कितने फॉर्म टोटल अप्लाई किए गए हैं इसकी भी जानकारी दी थी, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बिफोर 2 मंथ आप लोग को एक जानकारी और दी थी, वो थी आप लोग के फिजिकल। जी हाँ, SSB कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर वेटनरी के फिजिकल को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दिया था बिफोर 2 मंथ। जी हाँ, सबसे पहले ही मैंने आप लोग को जानकारी दी थी कि 28 अगस्त ही वो डेट है जब आप लोग के फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, 28 अगस्त की डेट मैंने आप लोग को बताई थी कि SSB कॉन्स्टेबल ड्राइवर वेटनरी की जो है यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट होने हैं, सभी के फिजिकल स्टार्ट होने हैं 1x1। ठीक है, चाहे वो ड्राइवर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हो, ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया हो, वेटनरी के लिए अप्लाई किया हो, किसी के लिए भी अप्लाई किया हो, सभी के फिजिकल जो है 28 अगस्त से स्टार्ट होते हुए आप लोग के जो है सितंबर तक ये आप लोग के चलने वाले हैं। लेकिन इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि डेट जो है आप लोग की आगे भी जा सकती है। जी हाँ, सितंबर तक आप लोग के 18 सितंबर से आगे भी, जैसा मतलब शेड्यूल तैयार होगा, जैसे ग्राउंड्स वगैरह तैयार होंगे उसके हिसाब से इसमें जो है थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा। तो अभी जो है 28 अगस्त का वेट करते करते अगस्त आ चुकी है। जी हाँ, अगस्त आ चुकी है। काफी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा एडमिट कार्ड, कब तक आएगा एडमिट कार्ड, कोई जानकारी दीजिए। बिल्कुल आपसे, आप लोगों से ज्यादा परेशान मैं हूं, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि 5 से 15 तक आप लोग के एडमिट कार्ड यहाँ पे आने चाहिए। तो अभी जो है आप लोग के समय स्टार्ट हो चुके हैं एडमिट कार्ड आने के, तो मैंने आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन निकाली। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन निकाली कि आप लोग के जो फिजिकल होने वाले हैं कहीं इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, पल पल की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो मैंने आप लोग को जो है इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो कुछ यहाँ पे आप लोग की बातें निकल के आ रही हैं। क्या निकल के आ रहा है पूरी जानकारी आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। जी हाँ, कैसी चल रही है प्रिपरेशन, रनिंग कैसी चल रही है आप लोग की। मैंने आप लोग को डेट बताई थी 28 अगस्त की, तो मैंने कुछ गलत आप लोग को नहीं बताया, और 2 मंथ पहले आप लोग को इसकी जानकारी दे दी थी। काफी स्टूडेंट जो है रनिंग में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि सर नोटिस आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो हम लोग रनिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी मर्जी आप वैसा कीजिए। तो रनिंग आप लोग की कैसी चल रही है, रनिंग की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। 4.8 किलोमीटर मेल कैंडिडेट 24 मिनट का टाइम आप लोग को मिलेगा, 5 किलोमीटर ही आप लोग मान के चलिए। इसके अलावा यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहां पे आप लोग की जो है 2.4 किलोमीटर 18 मिनट का आप लोग को यहां पे टाइम मिलने वाला है। इसके अलावा मैंने आप लोग को अभी एक नोटिस और जारी किया था जिसमें मैंने आप लोग को जानकारी दी थी। जी हाँ, सबसे पहले ही आप लोग को जानकारी दी थी कि आप लोगों के 10 सेंटर बना दिए गए हैं, प्रोसेस चल रहा है, जो भी टेंडर वगैरह है वो आप लोग के निकल चुके हैं, जो भी आप लोग का। और अभी भी मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी और भी प्रोवाइड कराई है कि आप लोग की रनिंग से रिलेटेड चिप वगैरह आप लोग को लगा के जो है रनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, तो जैसी जैसी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड हो रही है मैं आप लोग को देता जा रहा हूं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। प्रोसेस आप लोग का चल रहा है, मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जी हाँ, प्रोसेस आप लोग का चल रहा है,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रनिंग पे पूरा फोकस कीजिए। इसके अलावा हाइट वेट चेस्ट, जी हाइट वेट चेस्ट आप लोग को पता होना चाहिए। यदि आप लोगों ने ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी से आते हैं, थोड़ी सी हाइट में रिलीफ है, 167.5 आप लोग की हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी एससी से तो 157 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी वालों की 78.5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाता है। तो ये है आप लोग का ट्रेड्समैन वालों का। इसके अलावा यदि आप लोगों ने ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग की हाइट जनरल ओबीसी एससी वालों की यहाँ पे 170 ही देखी जाती है, बिल्कुल क्लियर कर दूं। और इसके अलावा यदि आप लोग वेटनरी से अप्लाई किया तो भी आप लोग की यहाँ पे 170 ही हाइट देखी जाती है जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट। और इसके अलावा जनरल ओबीसी एससी फीमेल कैंडिडेट की 157 हाइट देखी जाती है। तो ये है आप लोग की हाइट। और यदि आप लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 162.5 आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आप लोग की मेल कैंडिडेट एसटी से हैं तो 76.5 सेंटीमीटर का फुलाव। इसके अलावा यदि आप लोग गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा, असम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट एरिया से आप लोग आते हैं तो आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 165 मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की 155 होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की यहाँ पे चेस्ट जो है 78.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव देखा जाता है। जी हाँ, ये है आप लोग का पूरा जो है रनिंग और फिजिकल का प्रोसेस। पूरा पूरा ध्यान आप लोग रखिए, जी हाँ ध्यान आप लोग रखिए रनिंग पे। और हाइट वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग लगे रहिए, वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग ही होता है। अब बात ये आती है कि सर 28 अगस्त नज़दीक आ रही है, कब आएंगे एडमिट कार्ड, क्या 28 अगस्त से फिजिकल होंगे नहीं होंगे, क्या है इन्फॉर्मेशन। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूँ, जो जानकारी अभी मेरे को मिल रही है प्रोसेस आप लोग का बिल्कुल कंप्लीट होने को है। जी हाँ, प्रोसेस आप लोग का चल रहा है, लेकिन अभी जो है एसएसबी में आप लोग का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आप लोग को पता होना चाहिए स्किल टेस्ट का जो है यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो जो कि आप लोग का 28 अगस्त तक चलने वाला है। तो थोड़ा सा, जी हाँ थोड़ा सा जो आप लोग का फिजिकल की डेट है 28 अगस्त को थोड़ा सा आगे कर दिया गया, ऐसा नहीं कि बहुत पोस्टपोन कर दिया गया है। तो एट ए टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोग को हो जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होता कि एट ए टाइम ऐसा क्या हो जाएगा, कौन सा हमें कौन सी रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ जाए, को किस चीज़ के स्किल टेस्ट लेने पड़ जाए, तो मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। तो जो आप लोग का 28 अगस्त में यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट होने वाला था वो 28 अगस्त में ना स्टार्ट होते हुए आप लोग का जो थोड़ा सा आगे घिसका दिया गया, कितना आगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं घिसकाया गया, आप लोग को सेप्टेम्बर में ही यहाँ पे फिजिकल होने वाले हैं। तो जो इंफॉर्मेशन अभी तक निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है, डिपार्टमेंट यही बोल रहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग के जो है फिजिकल होने के पूरे पूरे चांस है। यदि ज्यादा से ज्यादा भी डिले होगा तो सेकंड वीक में आप लोग का हो जाएगा। डेट फिक्स नहीं है इसलिए मैं आप लोग को जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन सितंबर में आप लोग के फिजिकल लेने की बात कही जा रही है। अब बात यह आ रही है कि सर एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड का जो प्रोसेस डिपार्टमेंट बता रहा है कंप्लीट करने का, वेबसाइट पे डालने का, तो मैं आप लोग को बता दूं 25 अगस्त या 25 अगस्त तक वेबसाइट पे आप लोग को जो है एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, यही इंफॉर्मेशन अभी तक निकल के आ रही है। तो टेंशन मत लीजिए, जो जानकारी मेरे को थी मैंने आप लोग को बता दी। HCM के स्किल टेस्ट की वजह से थोड़ा सा आप लोग का जो है डेट आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। डेट की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलते भी मैं आप लोग को बता दूंगा, और वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एडमिट कार्ड आप लोग के आ जाएंगे, नोटिस भी आप लोग का आएगा। जी हाँ, लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बस डेट में आप लोग की थोड़ी सी चेंजेस की गई है। वेट कीजिए, ज़्यादा डिले नहीं होगा, कुछ ही दिनों का आप लोग को अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन 28 अगस्त से जो है आप लोग के फिजिकल नहीं स्टार्ट हो सकेंगे, ऐसा डिपार्टमेंट बता रहा है अभी कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन एडमिट कार्ड आप लोग के 25 अगस्त तक आने के पूरे पूरे चांस हैं, डिपार्टमेंट ने बताया है। सितंबर में आप लोग के फिजिकल होंगे तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप लोग को प्रोवाइड करता रहूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले ये कहूंगा यदि चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।